अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। कोरोना वायरस की वबा को लेकर जो सारा हिंदुस्तान लॉकडाउन रहा और ऐसे ही कर्नाटक में अभी हाल ही में 8 दिन लॉकडाउन का ऐलान हुआ और लॉकडाउन चल रहा है, तो कोलार डिस्ट्रिक्ट को भी हफ्ते की शाम 8 बजे से फिर के सवेरे 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान चल रहा है। तो कोलार डिस्ट्रिक्ट में मालूर, केजव, बंगारपेट, श्रीनिवासपुर, मुलबागल ये सब सवेरे 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त और वहाँ के लोग अपने ऊपर लाजिम करके और वहाँ के मजिस्ट्रेट भी और वहाँ के MLAs भी और वहाँ के काउंसलर और वहाँ के मुमाइदीन शहर मिलकर सवेरे 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक अपने अपने ऊपर लाजमी करके कारोबार चला रहे हैं और उसके बाद ख़ुद लॉकडाउन कर रहे हैं। लेकिन कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोलार सिटी के अंदर हफ्ते से शाम के 8 बजे से पीर के सुबह 5 बजे तक जो लॉकडाउन का ऐलान चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, उसमें हमारे कोलार सिटी के अंदर जो RMC मार्केट है वहाँ पर कुछ भी लॉकडाउन के निशानंदी नहीं मिलते। तो हाँ, एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोलार सिटी के अंदर जो टमाटा RMC मार्केट है वहाँ पर हिंदुस्तान का हर शहरी आपको मिल जाएगा, मसलन मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, बंगाल, एशिया, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, पुणे, जहाँ जहाँ भी कोना के कोने हिंदुस्तान में कोने कोने का शहरी आपको कोलार के सिटी के RMC मार्केट के अंदर मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20 से 25 लाख की जो आबादी है वो देखकर अगर RMC मार्केट चलाया जाए तो बहुत नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर 20-25 लाख की आबादी को अगर कोरोना वायरस की वबा से बचाना है तो जैसे कोलार शहर जैसे ऑटो रिक्शा, चाय की दुकानें सब जैसे बंद होते हैं इतवार के दिन, ऐसे ही RMC मार्केट भी अगर बंद रहा तो अच्छा होगा, वरना ये एक आंख में शक्कर और एक आंख में मिर्ची आटे की मिसाल हो जाएगी। कोलार शहर के अंदर जितने भी कारोबार हैं इतवार के दिन बंद रहे और दूसरी तरफ RMC मार्केट में फुल कारोबार चले, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और अगर कोलार डिस्ट्रिक्ट इस कोरोना वायरस से बचना है तो सबसे पहले RMC मार्केट, जैसे कोलार शहर लॉकडाउन एक दिन इतवार के दिन रहेगा, ऐसे ही वो भी अगर लॉकडाउन रहेगा तो बेहतर होगा। और ऐसा भी नहीं कि एक दिन अगर बंद हो जाए तो कोरोना की वबा ख़त्म हो जाएगी। तो कर्नाटक की सरकार और कोलार डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारी है कि वो लॉकडाउन कैसे करें, तो उनकी ज़िम्मेदारी है, हम उसके ऊपर बात करना नहीं चाहते। लेकिन जैसे कोलार शहर को लॉकडाउन कर रहे हैं वैसे ही RMC मार्केट को भी अगर लॉकडाउन करें तो बेहतर होगा। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, RMC मार्केट वाले गलती ना समझें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर 20 से 25 लाख की आबादी को देखकर अगर ये रैयत जो ज़मीन के ऊपर जो फसल उगाते हैं जो कम से कम 3 या 4 लाख होंगे, तो उनके फसल अगर इंसान ज़मीन के ऊपर ज़िंदा रहेंगे तब भी वो फसल उगाएंगे, तब भी वो फसल इंसान खाएंगे, अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो फसल उगा कर और फसल मार्केट में ला कर इसके बेचेंगे। तो इसलिए थोड़े दिन जो सब लोगों के ऊपर खाना नाफज होता है वो भी RMC के जो मजिस्ट्रेट हैं वो अपने ऊपर नाफज करके इतवार के दिन जैसे कोलार शहर लॉकडाउन रहेगा ऐसे ही RMC मार्केट भी लॉकडाउन करें। जो RMC मार्केट इतवार के दिन जो एक्शन होगा वो एक दिन या एक रात पहले एक्शन कर लें, इतवार के दिन खुला पूरा बंद रखें, तो कोलार शहर की तरफ से आपका शुक्रिया होगा। और let's have a bit of fun till I downfall.
like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। शुक्रिया।